मोफा जी मेरे को 1v4 करना ही पड़ेगा इधर से। A few moments later. Enemy down. God. यार मैंने सोचा एस्टर के नहीं होगी इस गधे के पास यार। तो गाइस क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है कि भाई एस्ट्रोलो के वाला आपको दो गोली के अंदर मारकर चला जाता है और भाई आप बंदे को 20 30 40 50 100 गोली मार देते हो, बट लेकिन यार बंदा कद्दू नौक नहीं होता। यार आप सोचते हो कि यार बंदे की गोली लोहे की है या फिर यार मेरी गोली कागज की है, मतलब भैया कितना पेलू बंदों को, बंदा मरता ही नहीं है यार। अब देखो यार आपकी गोली खराब नहीं है, आपका वो चीज खराब है। अब मतलब जो आप सोच रहे हो वो तो खराब है ही है, बट लेकिन एक और चीज खराब है, वो है गाइस आपका इंटरनेट कनेक्शन। अब देखो यार इंडिया के अंदर सीन क्या है कि भाई इंटरनेट कनेक्शन के नाम है सिर्फ जियो का सिम या फिर आईडिया एयरटेल, ये सारे सिम जो है बंदे यूज करते हैं गेम खेलने के लिए। अब देखो यार इन सिम का तो कोई भरोसा होता नहीं है, पहली भैया नेट का तो भाई तबाही चलता है, क्या बोले भाई, मतलब 100 का पिंग तो पहले ही आ रहा होता है, फिर आप वीपीएन कनेक्ट कर लेते हो तो वो पिंग आपका बन जाता है 200 का 300 का, यहां तक कि भैया कईयों का तो 900 का भी पिंग आता है। अब देखो यार ऐसे सिनेरियो में गोली लगना भाई नामुमकिन है, गोली क्या कद्दू रजिस्टर होगी जब आपका पिंग ही अच्छा नहीं आएगा। तो यार आपके पिंग को अच्छा करने के लिए आपको गाइस क्या करना पड़ेगा, आपको गाइस वीपीएन को हटाना पड़ेगा या तो आपको कोई अच्छा वीपीएन लगाना पड़ेगा, बट लेकिन आप बहुत सारे वीपीएन ढूंढते रहते हो, इसमें यार आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। बट लेकिन यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपकी सारी परेशानियां दूर करने वाला हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं राम बाण उपाय। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप पबजी लाइट को विदाउट वीपीएन कैसे खेल सकते हो, मतलब यार बिना वीपीएन के आप पबजी लाइट को कैसे खेल सकते हो। एंड मैं बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल गाइस रियल वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो बिना स्किप करे तो गाइस आप पबजी लाइट को खेल सकते हो, वो भी विदाउट वीपीएन। मतलब यार तुम्हारे भाई ने कतई आग लगा दी है, ऐसी ट्रिक लेकर आया तुम्हारे लिए, तो भाई वीडियो को पूरा देख लेना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार ऐसी तड़कती भड़कती ट्रिक मैं रोज अपलोड करता रहता हूं अपने चैनल के ऊपर। अब यहां पर आपको विदाउट वीपीएन चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए गाइस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान से देखना यहां पर, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल भी यार स्किप मत करना, अगर आप स्किप कर दोगे तो भाई आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या क्या करा है। ओके गाइस, तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चले जाना है गेम के अंदर, कोई सा भी मैच आप जो है लगा लो, बट लेकिन उससे पहले आपको जो है वीपीएन कनेक्ट करना पड़ेगा। रुको जरा सबर करो, पूरा देखो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सीन क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई सा भी वीपीएन कनेक्ट कर लेना है, चाहे उसकी स्पीड अच्छी हो या फिर ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, सिर्फ यार आपको वीपीएन यूज करना पड़ेगा कोई सा भी। वीपीएन यूज करने के बाद आपको गेम को खोल लेना है एंड गाइज आपको मैच के अंदर चले जाना है। आप यहाँ पर कोई सा भी मैच खेल सकते हो, सोलो डुओ स्क्वाड। मैच के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप आ जाओगे लॉबी के अंदर, जो कि वेटिंग लॉबी होती है जब प्लेन उड़ रहा होता है। उससे पहले यहाँ पर आपको ऊपर जो है कुछ सेकंड्स वगैरह दिखाता है कि इतने बाद जो है मैच शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर सेकंड चल रहे हैं। एंड अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वीपीएन को कर देना है डिस्कनेक्ट। वीपीएन को गाइस डिस्कनेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका सर्वर जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है सिंगापुर से एंड रुको अभी यहाँ पर क्लाइमेक्स बाकी है। ऊपर जो सेकंड चल रहे हैं ना, 10 सेकंड 20 सेकंड, जितने भी गाइस आपके सेकंड चल रहे होंगे ना, उतने सेकंड गाइस आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब अपने दिमाग के अंदर वेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर आपको जो नेट है वो ऑफ है, तो यहाँ पर जो है कुछ भी सेकंड नहीं दिखाएगा कि कितने सेकंड हो चुके हैं। तो आपको अपने दिमाग में काउंट करना है कि भाई कितने सेकंड बाद मेरा जो है मैच स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर मेरा मैच स्टार्ट होने वाला था 10 सेकंड बाद, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो 10 या फिर 11 सेकंड रहते थे, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत काउंट करा। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको वीपीएन को जो है ऑन नहीं करना है, वीपीएन को यहाँ पर आपको ऑन नहीं करना है, आपको गाइस डायरेक्टली यहाँ से ऊपर नेट को ऑन कर लेना है। कोई भी आपका नेट है, वाईफाई सिम कुछ भी है, उसको गाइस आपको ऑन कर लेना है। और भाई ध्यान रखना, ऑन आपको कब करना है, जब आप प्लेन में हो। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्लेन के अंदर आ चुके हो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले लॉबी के अंदर जो आपको सेकंड दिखाए थे, आपको यार मन के अंदर ही काउंट करते रहना कि हाँ 10 12 13 13 ऐसा करते करते जो है मेरा जो है प्लेन उड़ने वाला है। तो जैसे आपका प्लेन उड़ने वाला हो, उड़ चुका हो, तभी गाइज आपको जो है नेट को ऑन करना है। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है पबजी लाइट के अंदर, मैं आपको सीन बता देता हूँ, जब आप प्लेन के अंदर होते हो ना, तब यहाँ पर आपका वीपीएन जो है चेकआउट नहीं करते पबजी लाइट वाले, ऐसा कुछ सीन है, इसीलिए यहाँ पर ये जो है ग्लिच वर्क करता है। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। आपको जो है लॉबी के अंदर आना है, लॉबी के अंदर आने के बाद आपको वेट करना है कुछ सेकंड, और जैसी प्लेन उड़ने वाला हो उससे गाइस 10 या 20 सेकंड पहले वीपीएन को डिस्कनेक्ट कर लेना है। वीपीएन को डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको जो है नेट को ऑफ कर लेना है। नेट को गाइस आपको कब ऑन करना है, जब आपका प्लेन उड़ चुका हो, मतलब जब आप जो है प्लेन की कैबिन के अंदर बैठ चुके हो, उसके बाद आपको जो है नेट ऑन करना है। एंड बूम गाइस, यहां पर आपका प्लेन आ जाएगा। पिंग यहां पर आप देख सकते हो 50 ms, ओ माय गॉड 50 ms यहां पर मुझे मिल रही है, जो कि भाई
काफी जबरदस्त पिंग है, मतलब यार खेलने में मजा आ जाएगा, डैमेज भी यार काफी अच्छी तरीके से रजिस्टर होने वाला है। गोली यहाँ पर आपकी आर पार नहीं जाएगी, अब आपके सारे ग्लिचेस वगैरह फिक्स हो जाएंगे और आपका नेट भी अच्छा चलेगा। अब देखो यार यहाँ पर पिंग हाई इसलिए आता है बिकॉज ये गेम बैन है इंडिया के अंदर, पबजी लाइट और भाई बीजीएमआई लाइट तो पता नहीं कब आने वाला है। बट लेकिन अगर आपको न्यूज चाहिए बीजीएमआई लाइट से रिलेटेड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके रखो, बिकॉज मैं बीजीएमआई के रिलेटेड, बीजीएमआई लाइट के रिलेटेड, पबजी लाइट के रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूं। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि आप विदाउट वीपीएन कैसे खेल सकते हो। अब फॉर एग्जांपल बाय चांस 1 या फिर 2% चांस है कि अगर आपका ये ट्रिक काम ना करे तो आपको क्या करना है। तो गाइस मैंने यार एक वीपीएन का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको गाइस आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है इंडिया का सर्वर कनेक्ट कर लेना है। इंडिया का सर्वर कनेक्ट करने के बाद जो है आपको गेम को जो है ओपन करना है, एंड यहाँ पर आपका जो है इंडिया का सर्वर ही चलेगा। जितना पिंग आपका इंडिया के अंदर आता है उतना पिंग ही आपका यहाँ पर आने वाला है। और अगर यहाँ पर आपका सर्वर इज बिजी, ऐसा कुछ एरर आ रहा हो वीपीएन कनेक्ट करने के बाद भी, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यार एक बार वीपीएन को जो है डिस्कनेक्ट कर लेना है, फिर दोबारा से कनेक्ट करना है। और यहाँ पर जो है एक दो बार ऐसा करने से आपका जो है इश्यू, जो है कुछ भी इश्यू होगा, कोई भी एरर होगा, तो वो सारा आपका जो है रिजोल्व हो जाएगा। तो गाइस यार आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।